हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पिस्ता आइसक्रीम और बहुत ही क्रीमी से आइसक्रीम। हमने सिर्फ एक गिलास दूध से बनाया है, किसी भी क्रीम का हमने यूज़ नहीं किया, नो व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया है, ना कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ किया, ना अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ किया, हमने किसी भी क्रीम का यूज़ नहीं किया। सिर्फ एक गिलास दूध से इतनी क्रीमी से आइसक्रीम हमने बनाई है, बहुत ही टेस्टी से आइसक्रीम बन के तैयार हुई थी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है, एक गिलास दूध में आप इस समर में बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने ले लिया है एक गिलास दूध, बस इसी एक गिलास दूध से हम आइसक्रीम बनाने वाले हैं। तो ये मैंने मलाई वाले दूध लिया हुआ है, ठंडा दूध है, इसे मैंने मलाई वाला लिया हुआ गाढ़ा दूध। अब हम क्या करेंगे, 4 चम्मच यहाँ पे डाल देंगे मिल्क पाउडर। बड़ी चम्मच से डालेंगे तो 2 चम्मच डालिएगा, छोटी चम्मच से यहाँ पे मैंने 4 चम्मच डाला है। वो अच्छे से मिल्क पाउडर को इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे, हल्के फुल्के गुठले रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसे हम गर्म करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी छोटी चम्मच से 4 चम्मच यहाँ पे मैंने चीनी डाली है, चीनी को भी इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम गैस के पास आ गए हैं, मैंने गैस में पैन को रख दिया है और क्या करेंगे ना, इस तरह से हम मिलाते जाएंगे तो अपने आप सारे जो मिल्क पाउडर के गुठले थे ना वो ख़त्म हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और चीनी भी हमारी मेल्ट हो जाएगी। तो लगभग 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से हम इसे सिझाते रहेंगे, लो फ्लेम में रखते हुए हमें सिझाना है। हल्का सा दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा, बस इतना ही हमें करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि हमने मलाई वाला दूध लिया था, गाढ़ा दूध लिया था तो तुरंत से गाढ़ा हो जाता है, तो ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है, हल्का सा गाढ़ा कर देंगे हम और गैस की फ्लेम को लो में रखेंगे। बस इस टाइम पे हम क्या करेंगे ना, हम लेंगे एक कटोरी जिसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें हम डाल देंगे लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैं दूध डाल दूँगी क्योंकि इसे हमें मिक्स करना है, तो अच्छे से मिक्स हो जाए, बस इतना दूध मैंने डाला है। और इस तरह से विदाउट लम्स इस दूध को मैंने रेडी कर लिया, ये देखिए। तो हमारा कॉर्नफ्लोर क्या है, मिलने के लिए रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे ना, 1-1, 2-2 चम्मच करके इस तरह से थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे दूध में, एक साथ में सारा मत डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा फिर चलाइएगा फिर थोड़ा सा डालिएगा, यही मेथड में हम अभी करेंगे 2 से 3 बार। तो फिर मैंने 2 चम्मच डाल दिया है, फिर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देखिएगा हमारा दूध गाढ़ा होने लग जाएगा, बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा दूध हमें मिल जाएगा आइसक्रीम के लिए। और इस तरह से फिर मैं इसे चला लूँगी, ये देखिए, बस इस तरह से तुरंत से लगभग 2 मिनट के अंदर ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, इसे छोड़ना नहीं है। जब हम कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं तो कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, इसे बिल्कुल भी इस तरह से आप छोड़िएगा मत। और इस तरह से देखिए मैं चला रही हूँ, और आप देखिए इस तरह से चलाते चलाते ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, ये देखिए। और जब ये ठंडा होता है ना तो इससे ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो जब जैसे ही इतना ये गाढ़ा हो जाएगा ना तो आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा हमें गाढ़ा फिर नहीं चलाना है, गैस को तुरंत से ऑफ़ कर दीजिएगा, ये देखिए। तो काफ़ी गाढ़ा हो गया, और ठंडा के बाद मैंने बोला ना बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो बस इतना काफ़ी है। तो देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया और ये कितना ज़्यादा मलाईदार गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए हो चुका है ना, सिर्फ 1 गिलास दूध से इतनी गाढ़ा सा हमें मिल चुका है, रबड़ी जैसा। अब हम क्या करेंगे ना, एक हम जार ले लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर का, जिसमें हम सारा यह दूध जो गाढ़ा किया था हम डाल देंगे, सभी दूध को मैंने इसमें डाल दिया है। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए पिस्ता एसेंस है, तो ये पिस्ता एसेंस इसमें मैं डालूँगी अभी, और अभी मैं दिखाती हूँ क्वांटिटी आपको। तो ये देखिए लगभग 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने ये पिस्ता एसेंस डाला है, ज़्यादा नहीं डालना हमें क्योंकि पिस्ता एसेंस का जो फ्लेवर होता है काफ़ी हार्ड होता है, तो थोड़ा सा ही हम डालेंगे इसमें, लगभग 4 से 5 ड्रॉप। अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है ग्रीन फूड कलर, और इसे अच्छे से मैंने एक बार चला लिया, आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 मिनट के लिए इस तरह से मैंने चलाया था मिक्सर ग्राइंडर को। और इस तरह से देखिए हमें एक बहुत अच्छा सा आइसक्रीम का हमें मिक्सर मिल चुका है, इस तरह से ये देखिए पिस्ता फ्लेवर को हो गया क्योंकि हमने इसमें पिस्ता एसेंस डाला था। तो बहुत ही कम पैसे में बहुत ही अच्छी से रेसिपी बनके तैयार हो रही है आइसक्रीम की। और इस तरह से हम क्या करेंगे ना, इसे 1 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे, 1 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम हल्की सी सेट हो जाएगी, ये देखिए, ज़्यादा नहीं करना, हल्का से हम सेट कर लेंगे, ये देखिए। अब क्या करेंगे ना, फिर से हम वही मिक्सर ग्राइंडर का जार लेंगे और फिर से ये मिक्सर हम उसमें सारा डाल देंगे, और एक बार फिर से हम चंक कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो काफ़ी झागदार, हमें काफ़ी फ्लफी, काफ़ी एयर से इसमें भर जाती है ना, तो जो हमारी आइसक्रीम बनेगी काफ़ी सॉफ्ट बनेगी, एकदम मार्केट जैसी बनती है। और इस तरह से सारा इसमें हम डाल देंगे बॉक्स में वापस। अब ऊपर से मैं यहाँ पे थोड़ी सी पिस्ते डाल दे रही हूँ कटिंग की हुई, और ये पिस्ते डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर ओवरनाइट आप रख दीजिए। 6 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी से जम जाती है, ये देखिए काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इसे हम एक स्कूप के जरिए देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे आइसक्रीम स्कूप से, और ये देखिए काफ़ी क्रीमी सी हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है।
एक गिलास दूध से बनाया बहुत टेस्टी है, आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप थोड़ी ज़्यादा फिर दो गिलास दूध से बना लीजिए, उससे आपसे आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और काफ़ी सॉफ्ट फ्लफी टेस्टी सी पिस्ता आइसक्रीम घर में बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए, तो उम्मीद आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, विदाउट एनी क्रीम है। तो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।